Assalamu alaikum, my dear students. Once again, welcome back to my channel. Education is the key to success. Last time, we have exercise 3.6, question number 17 तक attempt के लिए था. आज हम question number 18 की तरफ move forward करेंगे और थोड़ी speed में तेज रखेंगे. 0 to pi by 4 तक limit है integration की और integration के अंदर cos 4t और dt with respect है और इसको आप equation number 1 कहेंगे क्योंकि आज हम इसको कुछ अलग तरीके से पहले हम अंदर वाली चीज को इवेल्यूएट करेंगे. तो cos 4t को मैं लिखूंगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक नोट लिखवाया था उसी से रिलेटेड है ये. सो cos 4t को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर ऑफ cos स्क्वायर t का स्क्वायर. मैं cos स्क्वायर t को लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2t बाय 2. अच्छा, ये होल का स्क्वायर आ गया आपके पास. इसके बाद आप ऊपर वाले स्केयर को अगर और नीचे वाले स्केयर को ओपन करें तो ये 1 बाय 4 और ये साथ आपका 1 प्लस cos स्केयर 2t. प्लस 2 cos 2t. ठीक है, इसको और भी ओपन करें 1 बाय 4 1 प्लस यहाँ पे cos स्केयर t का आपने क्या लिखा था, ये लिखा था. यहाँ पे cos के 2t है तो आपका एंगल बढ़ जाएगा बस 1 प्लस cos 4t बाय 2 प्लस 2 cos 2t. अच्छा, अब इसका एलसीएम ले लें 1 बाय 4 2 प्लस 1 प्लस cos 4t प्लस 4 cos 2t ओवर 2. ये 1 बाय 8 और 3 प्लस cos 4t प्लस 4 cos 2t. ये अब हमने इसको इवेल्यूएट कर लिया. अब इस हम इसको ना इंटीग्रल में पुट कर देते हैं. ठीक है, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है. सो ये आप लोगों पर लिखी हुई है, मैं इसको रेज करता हूं. जीरो टू पाई बाय 4 cos थीटा t का आपके पास बन जाएगा 1 बाय 8 तो वहां था बार कांस्टेंट है इसको एज इट इज लिखते हैं. 3 प्लस 4 cos 2t प्लस cos 4t dt 1 बाय 8 integration of 3 with respect to 0 to pi by 4 1 dot dt plus 4 0 to pi by 4 cos 2t dt plus integration of cos 4t dt 0 to pi by 4 ये आपका bracket close 1 by 8 3 into t 0 to pi by 4 plus 4 cos 2t की हो जाएगी sin 2t over 2 0 to pi by 4 plus cos 4t की हो जाएगी sin 4t और एंगल डिवाइड हो जाएगा नीचे 4 एंगल का डेरिवेटिव ये भी 0 to pi by 4 और ये आपका क्लोज 1 by 8 3 into 5 by 4 minus 0 plus 2 under 2 to 2 the 4 2. अब इसके बाद ये sin 2 for 5 by 4 45 तो sin 45 sin 90 minus sin 2 0 the 0 plus 1 over 4 4 into 45 90 180 sin 180 minus sin 4 0 the 0 ये 0 आपके बाद ये आपकी whole bracket close. तो ये 1 by 8 और ये पाई बाय 4 माइनस 0 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 प्लस साइन 90 1 माइनस साइन 0 तो 1 माइनस 0 0 2 1 जा 2 प्लस ये वाला पूरा 0 हो जाएगा तो ये 0 ही रह जाएगा. तो ये आपका बन गया. इसको अंदर एलसीएम 1 बाय 8 अंदर वाला एलसीएम लेंगे 3 पाई प्लस 8
ओवर फोर, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 3 पाई प्लस 8 बाई 4 एट्स आर 32, यही आपका आंसर है, 3 पाई बाई 8 प्लस 3 पाई प्लस 8 डिवाइडेड बाई 32। अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं। जीरो टू पाई बाय थ्री लिमिट्स है कॉस के थीटा साइन थीटा, डी थीटा। तो आप इसको एज इट इज इस तरह भी लिख सकते हैं, जीरो टू पाई बाय थ्री कॉस थीटा स्क्वायर, मैं एक माइनस बाहर लिख रहा हूँ एक इधर लिख रहा हूँ, माइनस साइन थीटा माइनस प्लस सी होता है डी। पावर के अंदर एक चीज है बाहर उसका डेरिवेटिव, तो इस पे पावर रूल लग सकता है, कॉस क्यूबिक थीटा बाय थ्री और लिमिट्स साथ माइनस भी है जीरो टू पाई बाय थ्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस वन बाय थ्री कॉस पाई बाय थ्री होता है 60 डिग्री, तो कॉस 60 का क्यूब माइनस कॉस जीरो का क्यूब माइनस वन बाई थ्री, कॉस 60 होता है आपके पास 1/2, इसका क्यूब माइनस कॉस जीरो होता है 1, इसका क्यूब तो ये माइनस 1/3, 1/8 माइनस 1, और ये माइनस 1/8 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे माइनस 1/3, 1 - 8 माइनस 7/3, तो ये माइनस 7/8, ये माइनस में प्लस और ये 7/24, यही आपका जवाब है। अच्छा अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 पर स्पॉट स्टॉप कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 23, एक्स 1/8 से 1 तक इंटीग्रेशन है लिमिट्स, और है एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 होल का स्क्वायर, एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 होल का स्क्वायर डीएक्स, और ये डिवाइड हो रहा है इधर एक्स की पावर 2/3 से। इसको पहले इवेल्युएट करते हैं। मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, 1/3 से मैं 3 से मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, अंदर मैं एक जगह 3 से डिवाइड भी कर दूंगा। 1/8 से 1 एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 होल का स्क्वायर, और यहाँ मैं ये डिवाइड कर रहा हूँ 1/3 एक्स की पावर 2/3, ये 2/3 है ना, तो ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस 2/3, और ये डी एक्स 3 × 1/8, और ये 1, ये एक्स प्लस 1/3 प्लस 2 होल का स्क्वायर। अच्छा इसके अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 का तो 0 हो जाएगा, इस वाली टर्म का 1/3 शुरू में एक्स की पावर 1/3 माइनस 1, तो 1/3 माइनस 1 क्या होता है 1 - 3/3 माइनस 2/3, वो ऊपर वही चीज है ना, यानी कि ये जो चीज है ये अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव है। तो यहां पर आप देख सकते हैं डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 का डेरिवेटिव बराबर है, तो ये 3, और इसके ऊपर ये पावर रूल लग जाएगा एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 क्यूब ओवर क्यूब, और ये ऊपर 1/8 से 1, 3 से 3 कट गया। अब 1/8 की पावर 1/3 प्लस 2 क्यूब माइनस, सॉरी यहाँ पे पहले 1 आएगा, 1 की पावर 1/3 प्लस 2 होल का क्यूब माइनस, अब निचली पावर 1/8 1/3 प्लस 2 होल का क्यूब। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, ट्वेंटी
वन की पावर वन बाई थ्री जो है वो वन हो जाएगा, तो वन प्लस टू होल का क्यूब माइनस, अच्छा ये आ गया वन की पावर वन बाई थ्री दोबारा वन हो जाएगा, और एट की पावर वन बाई थ्री, मैं एट की पावर वन बाई थ्री इस तरह लिख सकते हैं, एट को मैं लिख सकता हूँ टू की क्यूब, और ये वन बाई थ्री, थ्री थ्री से कटेगा, ये टू के बराबर आ जाता है। सो वन बाई टू प्लस टू का क्यूब, अच्छा इसको आगे सॉल्व करेंगे, थ्री का क्यूब 27, ठीक है, और इधर ये टू टू जार फोर, फोर प्लस वन फाइव बाई टू का क्यूब, ट्वेंटी सेवन माइनस फाइव, फाइव ये 125 ओवर टू का क्यूब एट, ठीक है। अब इसका एलसीएम एट हो गया, तो एट इंटू 27 216 माइनस 125 बाई एट, ठीक है, और इसको मैं अगर और सॉल्व करके लिखूँ तो 91/8 आ जाता है, और यही आपका आंसर है। आज तक के लिए नहीं, डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।